मेरे न्यू कैमरे से मैं अभी शूट कर रही जा ही रहे थे तो मंदिर दर्शन करते हुए जा रही हूँ करके दर्शन करने जैसे रुबा खाने की व्यवस्था थोड़ी सी करनी थी क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थोड़ा आगे चले जाना बस हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी आंखें काफ़ी स्लिपरी लग रही होगी क्योंकि मैं अभी जस्ट उठी हूँ और अभी बज रही है 7:30 और एक बार ब्रश वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि आज हमको जाना है बाहर तो बताती हूँ आगे का क्या प्लान है। ब्रश तो हो गया है अब मैं मेरे लिए बना देती हूँ कॉफ़ी। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मेरे के लिए कपड़े मैं कपड़े निकाल देती हूँ जो मुझे पहनने और गीज़र तो ऑन कर दिया है पानी भी गर्म हो ही जाऊँगा। कपड़े भी निकाल दिए हैं पहनने के लिए और कॉफ़ी भी मेरी बन गई है तो साथ ही साथ कॉफ़ी भी पी रही हूँ और क्या ठंड लग रही है सुबह सुबह गजब की बहुत ज़्यादा ठंड है। बिगड़ स्वेटर बाहर घूमने का मन ही नहीं कर रहा है पर कौन पहने अभी स्वेटर यूँ भी हो रहा है तो कॉफ़ी पी के नहा लेते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरा पर्स भी मैंने चेंज कर दिया आज मैंने मेरा ओल्ड पर्स लिया है येलो कलर का जो कि मैंने मेरी शादी में ख़रीदा था और अब चलते हैं कार में क्योंकि चिकू जाके बैठ गए कार में ऑलरेडी। जा ही रहे थे तो मंदिर दर्शन करते हुए जा रही हूँ करके दर्शन करने जैसे ही रुके वैसे याद आया कि मैं मेरा फ़ोन ही घर पे भूल गई हूँ तो अभी वापस घर जा रहे हैं मेरा फ़ोन लेने के लिए। कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ मैं। भागते दौड़ते मेरा फ़ोन लेके मैं आ गई हूँ अब चलते हैं और हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। हम लेने आए हैं मेरा न्यू कैमरा तो ये है शॉप और अभी आ गए तो चलते हैं मेरे पास। कैमरा मस्त लग रही है क्लियरिटी कितना कितना दिख रहा है। मेरे न्यू कैमरे से मैं अभी शूट कर रही हूँ और मुझे मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है आई लव दैट यानी आई मुझे तो इससे प्यार ही हो गया इसके लेंस को देख के और इसके कैमरे को देख के। थैंक यू चिकू ये मेरे लिए सरप्राइज ही था मुझे पता नहीं था कि आज मैं मेरा कैमरा चेंज करने आने वाली हूँ और मुझे यानी ये कैमरा चेंज नहीं करना था बहुत अच्छा है मेरा पहले वाला भी कैमरा 77D बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी चुको मुझे देखते थे यार परेशान हो रही है चलो चेंज करवा दे तो मेरा कैमरा हो गया चेंज और मस्त लग रहा है मुझे एकदम और काफ़ी वाइड है यानी मैं अब ज़्यादा दूर ना रखते हुए भी मैं आपको पूरी दिखूंगी। पहले मुझे इतना दूर रखती थी तो मैं इतनी दिखती थी सिर्फ आपको पर अब मैं इतना ही देर दूर रखूंगी तो पूरी कार आपको दिख रही है आपको पता चल ही रहा होगा। और चिकू थैंक यू फॉर अगेन और अभी बस उदयपुर में घूमेंगे और अभी तो हम कुछ एक बार लंच कर लेते हैं तो क्या मीटिंग उनके साथ में ही करेंगे लंच के साथ ही ठीक है। ये है उदयपुर का ट्रैफिक देख सकते हो आप और ये वो शॉप है जहाँ से हम ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरे कैमरे में बैटरी भी लो हो गई है दो ही डंडे बचे हैं क्योंकि हमारे पास चार्जर भी नहीं है तो क्या करेंगे गोप्रो से ही मॉल में तो शूट करना पड़ेगा। गोप्रो हम लेकर आए साथ में और अभी हम रुक गए हैं ट्रैफिक सिग्नल पर तो अभी रुके हुए हैं आगे चल रहे हैं एक बार खाने की व्यवस्था थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि भूख लग गई है 12 बजने आ गई है इसलिए और ये हमारा सिग्नल खुल चुका है और हम बस आगे बढ़ रहे हैं। अभी आ गए हैं हम डोमिनोज़ में हमारा लंच करने के लिए मेरा स्वागत कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आके बैठ गए हम यहीं पर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा पिज़्ज़ा। मीटिंग हमारी हो चुकी है तो मीटिंग हो गई है तो मैंने कहा अब लंच कर लेते हैं तो अभी बज रही है 1 तो लंच कर लेते हैं। ऑर्डर हमारा आ चुका है ये लास्ट में खाएंगे अच्छा पहले पिज़्ज़ा खाएंगे पहले पिज़्ज़ा खाएंगे ये हमारा पिज़्ज़ा हम दोनों भी पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे फिर दूसरा कुछ ऑर्डर करते हैं।
खाना खा लिया है, डोमिनोज को कर देते हैं बाय बाय और अब चलते हैं सीधा मॉल, क्योंकि कुछ काम है वो भी कर देते हैं। अभी हम लोग आए हैं क्रॉकरी की शॉपिंग करने के लिए। कहाँ के लिए चाहिए बेटा? घर के लिए ही चाहिए अपने। फूटा मैं अंकल पहले भी आई थी आपकी शॉप पर। हाँ हाँ मैं पहचान गया। पहचान गए ना? 100% बड़ा मोटा भी है। ये बड़ा है। खुश हो रही हूँ। इसका मुकाबला इन में कह रहा हूँ आपको। ये लुक में थोड़ा बढ़िया लगता है। हाँ बस क्या? ये मेटल सबसे अच्छा लगेगा। बड़ा हुआ है। धीरे से क्या रखोगे? बड़ा हुआ है। रखना है आराम से। वो अंकल जी बता रहे पर अपन थोड़ी रख सकते हैं। आप क्या करते हैं साहब? अंकल जैसे कि ये पहली प्लेट है, इस टाइप में बाउल नहीं है? इन बाउल यही है ना बेटा? अच्छा, यही आता है ना बाउल। तो बाउल ऐसा अंदर बनने का तो फिर अंदर कचरा फंस जाएगा। यूँ एक इसमें एक दाल कटोरी चाहिए। दाल कटोरी ये जो कि प्लेट वेट ली है उसके लिए मेरे को बाउल भी चाहिए सब्जी वगैरह के लिए। मजा आ रहा है आज तो। मेरी शॉपिंग हो रही है सारी। रखो ये किस पे बना हुआ अंकल पूरा? ये प्लास्टिक है। अंदर कांच है। ये देखो लो प्लास्टिक है। प्लास्टिक नहीं एकल निकल ले। ये जो है ना एकल ये क्या है? टूटेगा नहीं कभी। ये कांच है क्या? ये मिरर है। मिरर ही है ना? हाँ मिरर ही है। कुछ भी नहीं होगा उससे। देखो कैसा लग रहा। अच्छा लग रहा। चलो करवा देते। परचेजिंग सारी हो गई है, बस अभी ये सारा पैक हो रहा है। कि ये सारा पार्सल निकल रहा है। प्लेट भी सारी निकलेंगी एक 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 करके और सारा पैक होगा। अभी तो बिल्डिंग वगैरह हो रही है। क्रॉकरी का सामान हमने पूरा ले लिया है और अब निकलते हैं मॉल के लिए, क्योंकि हमने बीच में प्लान बना दिया क्रॉकरी का सामान पहले ले लेते हैं। तो कंप्लीट लेके डिक्के में कर दिया है लोड और अब जा रहे हैं मॉल। कितना अच्छा बन गया नहीं यार? पूरा कर दिया है लोड और हम जा रहे हैं मॉल। ठीक है चलते बिल्कुल। उदयपुर घूम तो क्या रहे, काम कर रहे, पर आज बहुत बड़ा काम हो गया। कब से सोच रहे थे क्रॉकरी लेनी है, रहनी है, रहनी है, पर आज थोड़ा टाइम हमको फ्री मिला मीटिंग के बाद और लंच करने के बाद। तो हमने काफ़ी सिर्फ एक घंटे में अपन ने खरीद लिया अपनी। यार बहुत फास्ट चॉइस है। हाँ मैं भी ऐसे खिचखिच नहीं करती हूँ। लिया छुट्टी और अब बस मॉल जा रहे हैं। ये उदयपुर की सड़कें, ये उदयपुर के ओवरटेक करते हुए ऑटो जो कि अभी भी अड़ा एक नहीं अड़े ऐसा निकला है। ओ ये क्या देखने मिल रहा है? मॉल का कलर ही चेंज हो गया पूरा, गुलाबी पिच और मरून कलर का हो गया। पर नहीं यार वही अच्छा लग रहा था, येलो ही अच्छा लग रहा था एकदम। लगता था महल में आ रहे हो रहा है पूरा। हाँ प्रॉपरली अब कैसा हो रहा है पता नहीं है, है ना? नहीं अच्छा लग रहा है वो देख उधर फाइनल हुआ। मॉल का कलर चेंज हो गया है, पिच और रानी मैरून कलर का हो गया है, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो गोल्डन ही अच्छा लगता था, पर अब देखते हैं थोड़े दिनों बाद आएंगे तो देखेंगे अगर पूरा कलर चेंज होने के बाद कैसा लगता है। अभी तो आधा अधूरा चेंज हुआ है इसलिए। और मेरी काजल है जो कि फैल चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट फैली अच्छी लगती है इतनी फैली हुई। तो अभी खाने का सामान लिया जा रहा है, जो भी घर पर ख़त्म हो गया है वो सारा एक 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 चीज़ याद कर करके ले रही हूँ। मैगी तो नहीं लेनी है, काजू बादाम ले लिए, मखाना ले लिए, काजू बादाम ले लिए, मखाना ले लिए, जायफल जावंत्री खत्म थी ले ली, इलायची खत्म थी ले ली। मेरे पीछे पीछे घूम रहा है बेचारा। हमारी बिग बाजार से शॉपिंग हो गई है, अब हम यहीं से चलते चलते हमारा सामान लेके जा रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, ये वाली गाड़ी भी चला लेते हैं, वो वाली भी गाड़ी चला लेते हैं, ऑलराउंडर है। और बस हो गया घर की शॉपिंग, अब जाएंगे बिना दी के घर पे, उनसे मिल के फिर निकल जाएंगे। ज़्यादा कुछ प्लान्स नहीं है, फिर देखते हैं कुछ आगे का अगर प्लान बन भी जाए तो। चलो मूवी देख ले। कौन सी है लगी हुई? सारी निपटा दिया। हाँ OTT प्लेटफॉर्म पे सारी मूवीज़ देख रखी है, इसलिए कोई इच्छा नहीं है थिएटर में मूवी देखने का। और फालतू रिस्क भी लेके कोई यानी दम नहीं है कोई रिस्क लेकर, तो सीधे साधे अपने अपने काम करके निकल जाते हैं। और वेयर इज वियर गाड़ी बोरी।
जेठा आँख मार रही, जेठा आँख मार रही है हमको, तुमको आँख मार रही है। ये एग्जिट पॉइंट, यहाँ से हम निकलेंगे। ये हमने जो भी क्रोकरी का सामान लिया था वो सारा अंदर रख दिया। अब मैं फिर से आ गई हूँ मेरे आरू के पास में। मैंने इस मेरे न्यू कैमरे का नाम रख दिया आरू। और ये एक एक सामान यहाँ पर स्पेस होके जम रहा है। आज तो फुल घर को सजाने के लिए पूरी शॉपिंग हुई है। पूरी डिक्की भर दी है, लबालब लबालब डिक्की भरी है। ओके बाय। तो जैसे आप मेरे मेकअप की वीडियो में क्लियरिटी देखते थे, अब वैसी क्लियरिटी आपको मेरे व्लॉग्स में देखने मिलेगी। अब मेरे सारे व्लॉग्स 4K में ही आएंगे, और 4K में आपके लिए मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो फटाफट से मुझे आगे बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी। ये आलोक स्कूल जो कि चिकू की थी, यहाँ पर चिकू ने पढ़ाई की है 1-2 साल, और बहुत ज़्यादा जिद करते थे। जब भी इस रास्ते से मेरे को ले गए थे, तब इनके जो भी स्कूल की मस्तियाँ थी वो सारी सुनाते। और ये भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं, हम ऐसे करते थे बता बता के। बहुत बड़ी है स्कूल, पूरे कॉर्नर में यही फैली हुई है। और अभी हम जा रहे हैं बिना दी के घर पर। थोड़ी देर बिना दी के वहाँ रहेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड फिर निकलेंगे शाम को। अभी तो 3:30-4 बज रही है। अभी हम जा रहे हैं बिना दीदी के सलून पे। घर पे तो है नहीं बिना दीदी, इसलिए ये रहा हनी ब्यूटी पॉइंट। ये हमारे बिना दीदी का सलून, और यहाँ पर मिलती है डाइट। तो आप आके डाइट भी ले सकते हो। पर चिकू को तो हमने दुबला किया था, वापस मोटे हो गए खा खा के। नहीं, वापस पतले हो गए। डाइट चली गई है चिकू। कोई बात नहीं, अभी गई है। ये चेयर सही लग रही है नी, छोटी। हाँ। अभी हम सब जने जा रहे हैं बिना दी के घर पे। ये हनी ब्यूटी पॉइंट का बोर्ड है। अगर आप उदयपुर में रहते हो तो बिना दीदी से जितनी भी सलून की सर्विस है वो ले सकते हो। आपको हम एड्रेस भी, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टेक्ट करो अगर आना है तो। थोड़ा आगे चले जाना बस। जूते ले लिए। अभी आप लिखे नहीं हो मम्मी। तो बनी, आप रिएक्ट मत करना मम्मी। क्या लेके आए हो, यूं कह रहा है ये। होटल में पेडिग्री लेके आए थे। ये आपके दोनों के जूते हैं वो। मम्मी आपके मेरे कौन से हैं? ये क्या हुआ बनी? हम्म, क्या हुआ, ठंड लग रही है? कोई नहीं, हो जाएगी अलग होता। ये हाँ, ये तो मेरा। बस 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 बस, मैं पैरों में नहीं आने दूंगी तेरे को। ये मेरा नहीं। ओ बस बस, देखो बस ले। मामी के जूते ऊपर कर लो। बनी पता चल गया ये इसके हैं। अब तो जाने नहीं देगा ना, आईफोन गिर जाएगा। जूते लेके जा वो। ये तो यानी मेरे को जाना है जूते लेके। हां, इसने मेरे जूते नहीं पकड़े, आपकी पकड़े। वो प्यार करवा रहा है। ले हमारे घर पे तो हम ऐसे ही शूट करते। तो बिना दी के घर पे आके चिकू की फरमाइश ये थी कि आलू की सब्जी और पराठे खाने। सो ये अभी आटा गूंद रहा है, जीरा और हल्दी वाला, और आलू की सब्जी बन रही है। चिकू ने अभी मंगवाए थे फ्रेंच फ्राइज, तो वो आ गए हैं और हम खा रहे हैं। प्लेट लाऊं एक प्लेट में? कोई नहीं, चलो। हो गया, मस्त टेस्ट करो। लो रुको भाभी, ये मेरा जूता, ये मेरा है। अच्छा ये, हाँ तो ये आपका है, मेरे को टाइट टाइट लग रहा है। मैं पहन के देखूंगी तो पता चलेगा। नहीं मेरा पूरा ना, मेरे इसमें चला गया। ये एक पैर में जो पहना है जो अटपटा लग रहा है वो दो वापस। हाँ ये मेरा है। तो पता चलता है ना यूं अपने क्या हुआ? मैचिंग मैचिंग बेलीज भी मैचिंग मैचिंग दी है पहले, है ना? अभी भी है, अब सही है, देख ले। Ha 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 ha!
हम दोनों के हमेशा जूते हम मैचिंग ही खरीदते हैं, और अब हम जा रहे हैं, इनको कह देते हैं बाय बाय। ठीक है, ओके बाय बाय बाय, ध्यान से जाना। ठीक है, ओके बाय बाय, हैशटैग बाय बाय, हैशटैग ओके ओके बाय, ध्यान से जाना। हाँ बाय। तो अभी हम निकल गए हैं उदयपुर से, अब चलेंगे घर पर। सारा काम हो गया है, बिना दी के यहाँ पर 2-3 घंटे रुके, मज़ा आया। काफ़ी टाइम के बाद आए थे उदयपुर, सो इसीलिए काम भी जल्दी निपट गया था। 2 घंटे यहीं रुके, खाना वगैरह खा के अभी निकल गए हैं। बस अब सीधा आपको मिलेंगे बीच रास्ते में और घर जाकर। उदयपुर से हम लोग आ गए हैं, ये सामान बीच में पड़ा है तो हटाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी को पार्क करना है। आने दो, अलग ही लग रही होगी क्लियरिटी एकदम। थोड़ी सी लाइट मिलनी चाहिए, कैमरा अपना कमाल कर रहा है। मम्मी को पता नहीं है कि हम क्रॉकरी का सामान लाए, मम्मी के लिए सरप्राइज है, तो देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन है। सारा सामान है वो आ गया है घर में, अब बताते हैं मम्मी को। यहाँ पर प्लेटिंग हो रही है, प्लेट ये वाली बारा बारा पूरा सेट लग गया। ओ जल गया जी सब दाल वाले डिब्बे। बस ये सारा अनबॉक्स कर दिया, आप देख सकते हो। और तो फ्रेंड्स आ गए हम घर पर, और सारा सामान क्या डिस्पैच सारा चेक किया क्या कैसे था। और ये तो सबका, हर एक जागरूक ग्राहक का यानी कर्तव्य बनता है कि कोई भी सामान लाओ घर पे एक बार आके चेक करो, बिल चेक करो, क्योंकि हमको अगर पक्का बिल मिलता है तो चेक करना ही चाहिए। और अब मैं कर देती हूँ व्लॉग का एंड, और व्लॉग का एंड करने से पहले, और हमेशा बिल चेक करना चाहिए, और बिल चेक करने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि कुछ डिफरेंस निकला और पता चला किस चीज़ का क्या डिफरेंस है, क्योंकि सारी चीज़ें कैलकुलेट की, थोड़ा सा मिस्टेक था, फिर हमने आगे कॉल करके पूछ लिया, क्योंकि जो आपने देखा ही होगा व्लॉग में जो हमको अंकल बता रहे थे वो थोड़े से एजेड थे, उस हिसाब से कैलकुलेशन में हो गई होगी मिस्टेक, हर किसी से हो सकती है। हालांकि पर हमने उनसे कंसल्ट कर दिया, सारी बात सॉर्ट आउट हो गई है। और आपको मैं विश कर देती हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे, क्योंकि आज है 26 जनवरी, और 26 जनवरी पर शॉप करो पर ऑफ़र आया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑफ़र सिर्फ 4 दिनों तक है, 26 जनवरी के बाद में, सिर्फ 4 दिनों तक। तो आपको शॉपिंग कैसे करनी है आपको मैं पहले से ही बता देती हूँ, है ना। 4 दिन में आपको शॉपिंग करनी है, और सारी ब्रांड्स, हालांकि ब्रांड्स की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, पर कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स है उनका मैं नाम लेकर और आपको ऑफ़र बता देती हूँ। ज़्यादा अगर ऑफ़र के बारे में पता करना है तो आप शॉप करो का जो मैं नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके ऊपर कॉल करके पता कर सकते हो। अब मैं बता देती हूँ, मिशेल पर है 15%, 15% शुगर पर है 10%, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट पर है 15% 15, और बॉम्बे शेविंग पर है 26%, और अजमल पे है 30%। तो ये सारे ऑफर्स है 4 दिन के लिए, तो शॉपिंग स्टार्ट कर दो। और आज का ब्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में, ओके बाय। और जाने से पहले वापस से बोल देती हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे सबको, मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।